धर्माज जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र के आसन बनी यादवपुर निवासी ने अपने गोतिया पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि इस बाबत एक पक्ष ने मीडिया को बताया है कि उसके गोतिया के लोग वर्षों से उसके परिजनों के साथ मारपीट करते आ रहे हैं, जिससे उनके परिवार में कई मौतें भी हो चुकी हैं। ऐसे में पिछले दिनों उनके भाई के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जबकि भाई अक्सर बीमार रहता है और उसका इलाज CHC वेलोर से चल रहा है। ऐसे में उसके साथ मारपीट कर उसे जान मारने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद बरवड्डा थाना में शिकायत भी दर्ज कराया गया था, परंतु दोषी पक्ष पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरे पक्ष के लोग फर्जी तरीके से मुकदमा कर उनके परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने मांग की गई है कि निष्पक्ष जांच कर उन्हें न्याय दिया जाए। वहीं पीड़ित पक्ष के परिजनों ने मारपीट का वीडियो भी मीडिया को सौंपा है। मामले को लेकर आप लोग गुहार लगा रहे हैं? मामला ये है कि मेरा भाई को पहले जो है उन लोगों ने बुरी तरह से मारा है सर से। कौन लोग है, उसका नाम भी बताइए। उमा शंकर दास और सुमन कुमार दास, हेमंत लाल दास और अरुण कुमार दास, उन लोग और भी जितने घर के थे सदस्य, सबको एक घंटा लगा के रात में मेरा भाई को 3 तारीख को मारा है। और मारने के बाद जो है मेरा भाई को लेके थाना है, थाना से PMCH रिफर करवाया गया। वहाँ का सारा कागजात मेरे पास है, देखिए सर, ये PMCH का जो बड़ा ये, क्या कहते आपका हैं? भाई का क्यों मारा, किस लिए मारा? मारा इसलिए कि लेडी लेडीज का झगड़ा था सर, सुबह से उन लोग झगड़ा कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि उन लोग सबका जितना आदमी है सब पीने वाला आदमी है और पीने का पैसा नहीं देते हैं तो हम लोग पे झगड़ा करता है। और पूर्वज का झगड़ा ये है कि मेरे पिताजी को वो कुआं का पानी पीने देता था नहीं, और वो हमेशा मेरे पिताजी से, मेरे पिताजी टीचर थे, उनको टॉर्चर कर करके उसका भी जो है आत्महत्या करवा दिया गया है। फिर बाद में मेरे माँ को सर फाड़ के मारा था, जो 2006 का घटना है विगत। और अभी जो है मेरा भाई को फिर टारगेट लगाया है और मेरा भाई को भी माथा सर फाड़ के और झूठा का आरोप लगाया है हम लोग को। और यहाँ पे हम यही कहेंगे सर कि मेरा भाई को जब सर फटा और वो मैंने बरवाड़ा थाना में जो शिकायत किया उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। 3 तारीख का घटना है और ये 6 तारीख को उन लोग ने आके ये केस बना के हम लोग को कोर्ट भेज दिया गया है। तो ये 3 तारीख का घटना क्यों नहीं, यदि 3 तारीख का घटना को लेके यदि पुलिस छानबीन करती तो ये समाधान कर देते तो ये सब होता नहीं। इसलिए कि 3 तारीख को घटना को लेके 6 तारीख को ले आया गया और 6 तारीख में झूठा आरोप करके और हम लोग को फंसाया गया, जबकि उन लोग की तरफ से उन लोग का कोई घायल नहीं हुआ है। मेरा भाई यहाँ पे घायल हुआ, देखिए PMCH का ये लड़ाई जो है आप लोग का पुराना लड़ाई है क्या? पुराना लड़ाई है, बहुत पूर्वज का, मेरे पिताजी से लड़ते आ रहा है उसका पिता उमा शंकर दास और उन लोग बेटा। ये लोग कौन है आपका? इन लोग मेरे पापा का चाचा का बेटा है। आप लोग आपसी में है? आपसी में है। आपसी में मारपीट हुआ? जी सर। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये झूठा आरोप है, ये झूठा, हम यही चाहेंगे कि मेरा जो पिताजी को और मेरा माँ को और मेरा भाई को जो बेहरमी से मारते आ रहा है और झूठा झूठा केस में लगा रहे, फंसा रहे हैं, हम चाहेंगे कि मेरा भाई को न्याय मिले, ताकि वो मानसिकता से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो अपना दवा चलाता है, बिलोर का पेशेंट है वो और हमेशा इन लोग मारपीट करता है। हम कड़ी से कड़ी इसको हम सर से यही कहेंगे, उम्मीद करेंगे आप लोग से, प्रार्थना करेंगे कि ये केस जो है 3 तारीख को घटना है लेकिन ये 6 तारीख को क्यों लाया गया। और मेरा भी भाई कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? थाना। आप कौन सा गांव के हैं? हम आसनबनी गांव के मिसिडी के यादवपुर के हैं सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामचरण कुमार दास हुआ, मेरा उसका छोटा भाई हूँ, हम समझाते रहे लेकिन उन लोग कुमार दास। आपका भाई का क्या नाम? प्रकाश कुमार दास।